गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूइंग विद चैप्टर लाइट टूडे आई एम डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स बच्चों इससे मैं मिरर फॉर्म्यूला बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करा पाऊंगी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से देखेंगे सब दो तरीके से बता रही हूं बेटा साइन कन्वेंशन पहला आपने ग्राफ देखा है बेटा जैसे हम मैथ्स में बनाते हैं जैसे ये ओरिजन है ओरिजन से ऊपर ऑल डिस्टेंसेज आर पॉजिटिव ओरिजन से नीचे दे आर नेगेटिव ओरिजन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव ओरिजन के राइट right साइड पे सारे डिस्टेंस पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में कुछ खास बातें लेते हैं जैसे नंबर वन ऑल डिस्टेंसिस इनस्फेरिकल मिरर शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल सारे डिस्टेंस आपके मिरर में शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल दूसरी बात ऑब्जेक्ट को बेटा हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं कभी भी ऑब्जेक्ट राइट साइड पर नहीं रखते कन्वेंशन है ऐसा करना ही है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट इट्स लेफ्ट राइट मिरर के हमेशा लेफ्ट में रखते हैं जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है और जो नीचे हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन टू बी नेगेटिव शुड बी टेकन एज नेगेटिव फोर्थ डिस्टेंसेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिररर जहां भी मिररर पड़ा है उसके लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव राइट right वाले सारे पॉजिटिव इसको ऐसे लिखते हैं डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज नेगेटिव राइट देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूं बेटा कि ये आप कैसे लेंगे hmm. देखो जैसे मान लो दिस इज अन्केव मिरर राइट दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस दिस इज पोल फोकस सेंटर सपोज चिड़नाई कीप एन ऑब्जेक्ट हेयर फर्स्ट रे विल गो स्ट्रेट एनी रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस विल पास थ्रू फोकस सेकेंड विल पास थ्रू फोकस इट विल कम पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस मान लो आपकी इमेज बन गई एफ और सी के पीच में सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं डिस्टेंसेज आपका ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा इसके साइज को बोलते हैं एच है, और ये है आपकी इमेज इसके साइज को बोलते हैं एच डैश ठीक है डिस्टेंस सारे नापने हैं बेटा पोल से तो पोल से फोकस का डिस्टेंस है एफ पोल से इमेज का डिस्टेंस है वी पोल से सेंटर का डिस्टेंस है आर और पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिखते हैं यू सारे डिस्टेंस केयरफुली देखिए बेटा पोल से फोकस एफ पोल से इमेज वी पोल से सेंटर आर पोल से ऑब्जेक्ट यू यू इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट वी इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज एफ इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस आर इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लुक एट द डायग्राम केयरफुली चलिए अब मैं आपको इनके साइन बताती हूं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बेटा एच साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर आप देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे है इसलिए इसका साइज क्या होना चाहिए पॉजिटिव राइट एच डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है इसलिए ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए नेगेटिव राइट right? अब आप यू देखो जो रे ऑब्जेक्ट से आती है चिल्ड्रन दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे राइट अब आपने डिस्टेंस ना अपने है पोल से ध्यान दो पोल से फोकस मैं किस तरफ जा रही हूं लेफ्ट में पोल से इमेज कहां जा रही हूं लेफ्ट में ये मिरर ये सारे डिस्टेंस पोल से फोकस पोल से इमेज पोल से सेंटर पोल से ऑब्जेक्ट है इन सभी डिस्टेंसेस के लिए बच्चा पार्टी आई एम कमिंग टूवर्ड्स लेफ्ट यानी यू वी एफ आर ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारे लिए नेगेटिव राइट क्योंकि डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर नेगेटिव और राइट right साइड वाले आर पॉजिटिव चलो आओ मैं तुम्हें एक और डायग्राम में सिखाती हूं देखो बेटा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस पोल फोकस सेंटर सपोज आई कीप एन ऑब्जेक्ट हेयर एक आपके सी से चली गई एक आपने पोल से निकाली दे अपियर टू मीट हेयर जहाँ इमेज बनी है बच्चों वो है एच डैश ऑब्जेक्ट इज एच पोल से इमेज वी पोल से दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज इमेज पोल से ऑब्जेक्ट यू पोल से फोकस एफ पोल से सेंटर आर ये जो मैं एरो बना रही हूं बेटा ये इसलिए बना रही हूं ताकि आप देख पाए कि डिस्टेंस पॉजिटिव से नेगेटिव है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है राइट इज इट गोइंग टू वर्ड्स लेफ्ट और इज इट गोइंग टू वर्ड्स राइट तो यू कैन सी इट वेरी केयरफुली पोल से इमेज के लिए आई एम गोइंग टू वर्ड्स राइट और पोल से ऑब्जेक्ट के लिए आई एम कमिंग टू वर्ड्स लेफ्ट राइट